हेलो दोस्तों टोने टोटके में आप सबका स्वागत है काफ़ी कमेंट आता है और हमें हमेशा बोला जाता है कि घर बांधने का तरीका बताइए तो दोस्तों मैं आप सबसे यही एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कोई बुरी शक्तियाँ नहीं है कि मैं उसे गलत इस्तेमाल कर सकूँ और गलत तरीके से हम उसे यूज कर सकूँ तो दोस्तों मेरा कारण यही होता है कि अगर मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ तो यही हमारे हैं बाप हैं भाई हैं मैं बाप भाई मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ही इस्तेमाल करता हूँ ऐसा नहीं है, कि टोने टोटके का चैनल्स है बट मैं क्या कर रहा हूँ मैं किसी बुरी शक्तियों को यूज कर रहा हूँ तो ये गलत बात है चलिए आगे शुरू करते है अगर आपके घरों में परेशानियां हैं कोई भूत प्रेत कर देता है आपको हानि पहुंचाने के तरीके से अपने माइंड को यूज करता है तो आपको करना क्या है उस चीज का निवारण मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों उस पर ध्यान दें आप मार्केट से सात लोखन के खिल लाए सात खिल लाए जो खिल्ला होता है ना लोखन के सात खिल्ले लाए और सात लौंग होना चाहिए सात जायफर होना चाहिए सात निबू होना चाहिए और एक डिब्बी कपूर होना चाहिए तो दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं यह है मंगलवार के दिन का है टोटका है मंगलवार के दिन और ये टोटका करने से कोई माई का लाल आपके घर के ऊपर कोई बुरी दृष्टि भी नहीं डाल सकता कोई काला जादू कर दे तो मैं अपने आप को जहां बोलो वहां सिलेंडर कर दूंगा मैं और यह ऐसा नहीं कि कोई तांत्रिक बल और प्रयोग के चक्कर में आके मेरे इस चेतावनी को स्वीकार कर ले और चेतावनी को स्वीकार भी कर लिया तो मुझे मंजूर है कोई भी तांत्रिक अगर मेरे इस प्रयोग को हिला देगा तो मैं अपने आप को समर्पण कर दूंगा मैं तो दोस्तों विधि क्या है मैं आप सबको बताना चाहूंगा मैं सात लौंग सात खिले सात निबो और एक कपूर का डिब्बी आपको रखना है एक सिंदूर ले लेना है जो लाल जो बजरंग बली के ऊपर चढ़ता है दोस्तों उस खिल के ऊपर खिल बड़ा ही हो तो बेटर है उस खिल के ऊपर ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। सातों खिल के ऊपर होना चाहिए नाम होना चाहिए लिखा हुआ ओम श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः दोस्तों ये सोमवार की रात्रि को लाना है सारा सारा सामग्री सोमवार की रात्रि तक आपके घर में होना चाहिए और एक जगह होना चाहिए गौमूत्र में उस खील को आप डुबा के रखिए गौमूत्र के अंदर सुबह होते ही गंगा जल से उसे नहलाए कपूर दीप दिखाए उस खील को लेकिन यह कब करना है सुबह मतलब सूर्योदय से पहले करना है आपको बताना भूल गया था मैं ये सूर्योदय से पहले करना है और उस खील को क्या करना है दोस्तों जो आपका घर होगा जो चार कोने में घर होगा या बंगले टाइप का होगा आपको उस खील को हर एक कोने में दीवाल के अंदर गाड़ना है हथौड़ी से उसे ठोक दें अंदर चला जाए किसी को पता ना चले चाहे वो आपको पांच बजे सुबह में ही उठ के करना पड़े वो किसी को पता ना चले तो दोस्तों आपको दीवार के चारों तरफ उस खील को ठोकना है और एक खील बचेगा जैसे कि चार कोने पे चार खिल चले गया पीछे साइड में दो चले गया और आगे की तरफ आपका जो दरवाजा होगा उस दरवाजे के बीचों बीच जहां पैर पड़ता है आपका उस दरवाजे के बीचों बीच खिल को गाड़ देना है उसके ऊपर लादी वादी सब फिट कर देना है और आप कपूर का कपूर का सुगंध चारों तरफ आप दे दें और मंत्र आपके अंदर एक ही चलना चाहिए ओम श्री हनुमते नमा ओम श्री हनुमते नमा सबको कपूर का दीप दिखा दें धुआं दिखा दे कपूर का और वो सात नींबू को आप सात खील में टच करें और नींबू को काटना नहीं है दोस्तों सात लौंग को नींबू के अंदर धसा दें और वो सात नींबू ले जाके कहीं दूर जाकर पानी में छोड़ के आ जाएं जो आपके घर के अंदर भूत प्रेत के जो वास होंगे वो भी भाग जाएगा उस नींबू के साथ में लौंग के साथ में चला जाएगा और जो भी है कोई भी तांत्रिक इसको काट के दिखाए मैं अपने आप को समर्पण कर दूंगा उसके चरणों में ये सब करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे चेंज मिल जाएंगे आपके घर पर कोई भूत प्रेत नहीं कर पाएगा अगर जिसके शरीर पर भूत आता हो यह भी आप नोट कर लें जिसके शरीर पे भूत आता हो उस इंसान को अपने घर के चौखट के अंदर जैसे लेके जाएंगे भूत छोड़ के भाग जाएगा ये मेरा हंड्रेड परसेंट गई हजार गुना परसेंट में ये मेरा दावा है उसके शरीर से भूत निकल के भाग जाएगा और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें थैंक यू सो मच